भारत के युवकों, अब भी समय है कि तुम चेतो और अपने कर्तव्य को समझो। इस बात को सदा के लिए अपने हृदयों पर अंकित कर लो कि इस देश के भविष्य का निपटारा तुम्हारे ही हाथों में है। दुखित माता अपने समस्त दुखों को दूर करने के लिए तुम्हारे ही मुखड़ों की ओर निहार रही है। तुम्हारे ही कंधों पर राष्ट्र की रचना का समस्त भार है। सबसे पहले आवश्यकता इस बात की है कि तुम इस कार्य की महानता, गंभीरता तथा पवित्रता को अनुभव करो, जिसको पूरा करने का भार तुम्हारे ऊपर है। संक्षेप में, तुम्हारा कार्य भारत में एक राष्ट्र की रचना करना है। इसलिए आवश्यकता है कि तुम पहले भारत के इतिहास तथा भारत की वर्तमान स्थिति का ध्यान पूर्वक अध्ययन करो। उसके पश्चात वर्तमान उन्नत जातियों, विशेषकर इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका तथा जापान के इतिहास को आंख खोलकर पढ़ो और साथ साथ अपने देश की स्थिति के साथ तुलना करते हुए इस बात का निश्चय करो कि तुम अपने देश की दशा सुधारने में उन देशों के इतिहास से क्या उपदेश ग्रहण कर सकते हो। फिर जिस देश की उन्नति के विविध क्षेत्रों में, जिस क्षेत्र में कार्य करने की और तुम में अधिक योग्यता और रुचि हो, उसमें अपने तन मन के साथ प्रवृत्त हो जाओ। यही तुम्हारे जीवन का पवित्र लक्ष्य है। युवकों, स्मरण रखो, केवल दूसरों की प्रशंसा करने, यूरोप अथवा जापान के गुण गाने तथा प्राचीन भारत की डींग हाँकने से ही काम न चलेगा। दूसरों के उदाहरण से तुम निस्संदेह उपदेश ग्रहण और प्राप्त कर सकते हो, किंतु दूसरों की केवल प्रशंसा मात्र करने और स्वयं निष्क्रिय बैठे रहने से तुम्हारे देश का उपकार न होगा। इसके अतिरिक्त हमारे अनेकों युवकों को प्राचीन भारत के विषय में उचित से अधिक डींग मारने की आदत है, किंतु यदि तुम्हारे पूर्वज महान थे और हम स्वीकार करते हैं कि वे अनेक अंशों में महान थे, तो तुम्हारे लिए और भी अधिक लज्जा की बात है और तुम्हें और भी अधिक परिश्रम के साथ अपने देश की वर्तमान दशा को सुधारने में तत्पर हो जाना चाहिए। गणेश शंकर, विद्यार्थी, राष्ट्र की आशा।